नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट एस वेरिएंट के बारे में। ये इस गाड़ी का टॉप मॉडल है और ये पर्टिकुलर गाड़ी जो आप लोगों के सामने खड़ी है ये डीजल में है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 11.69 लाख रुपीज़। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक वॉक अराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स। और दोस्तों, अगर इंजन की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि जनरेट करता है 100 BHP की पावर और 215 Nm का टॉर्क। आप लोगों जो इसके कंपटीशन के इंजन है, यानी कि टाटा नेक्सॉन और आपकी XUV300 उनसे ये पावर फिगर्स में कम है, बट दोस्तों अगर आप पर्सनली इस गाड़ी को चला के देखोगे तो आपको इसके अंदर ज़्यादा मज़ा आएगा। इस गाड़ी की, इस इंजन की बात ही अलग है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। दोस्तों, फ्रंट में आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं HID हेडलैम्प्स, LED DRLs यहाँ पे आपको मिलते हैं, नीचे यहीं पे आपको इसके अंदर मिलते हैं इंडिकेटर, उसी के साथ प्लेस किया गया है फॉग लैंप। अगर फ्रंट ग्रिल्स की बात करूँ दोस्तों, तो बिल्कुल डार्क कलर की, यानी कि डार्क ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल्स मिलती हैं, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती हैं। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर ऑफर किया जाता है, तो ब्लैक कलर के अंदर ये गाड़ी आपको काफ़ी शानदार लग रही होगी देखने में। अभी चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल के बारे में। इसमें मिल जाते हैं आपको 205/60 R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स। ये आपकी गाड़ी का ORVM हो गया विद टर्न इंडिकेटर्स। इलेक्ट्रिकली आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी कलर यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और अगर दोस्तों बात करें रूफ़ की, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको रूफ़ मिलती है और उसी में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। ये आपकी गाड़ी की ब्लैक कलर की यहाँ पे रूफ़ रेल्स हो जाती हैं, पीछे आपको पावर एंटीना मिल जाता है। अब बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से लेकर 13-13.5 लाख रुपये तक का है और आप एक कॉम्पैक्ट SUV चूज़ करना चाह रहे हैं डीजल के अंदर, तो आप इन तीन गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे? फोर्ड इको स्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन और आपकी XUV300। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और साथ में उसका रीज़न भी दीजिएगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द आपको इन्हीं तीन सवाल में से एक गाड़ी देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर, जो कि मेरी खुद की एक पर्सनल गाड़ी होगी। फिलहाल फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ सेंटर में आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप मिलता है गाड़ी के अंदर। बैक ग्लास के अंदर आपको डीफॉगर, रियर वाइपर, रियर वॉशर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर टेल लाइट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये हेलोजन टेल लाइट्स मिलती है, नीचे आपको ब्रांडिंग मिलती है टाइटेनियम STDCI। और ये इस गाड़ी का स्पेयर व्हील हो गया, जो कि सेम टायर प्रोफाइल का है और सेम अलॉय व्हील भी इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलता है डीजल टैंक, जिसकी कैपेसिटी है 52 लीटर्स की। अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई इसकी बैक प्रोफाइल से रिलेटेड, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बात करते हैं और फीचर्स के बारे में। तो ये इस गाड़ी की की है, दोनों ही रिमोट की का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, दो बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने का और अनलॉक करने का। ड्राइवर साइड डोर हैंडल में यहीं पर आपको सेंसर मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर के बारे में। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVMs एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं आप यहाँ से। नीचे आपको बोटल होल्डर का स्पेस, डोर पॉकेट का स्पेस, एक स्पीकर मिल जाता है। ऊपर यहीं पे आपको डोर ओपनर के पास ट्विटर और उसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डोर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन। फ्रंट की जो सीट्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। जो आपकी ड्राइवर साइड सीट है, इसमें आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं एस वेरिएंट के अंदर जो आपका इंटीरियर है वो कंप्लीट ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। इस गाड़ी में आपको बेस वेरिएंट से ही टिल्ट वेट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि ये आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है। आप देख सकते हैं स्टिचिंग भी जो है वो काफी शानदार क्वालिटी की यहाँ पे हो रखी है। जब कंपनी से आप कंपनी फिटेड स्टीयरिंग रैप्ड लेते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपनी MID के, राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट, वॉल्यूम अप एंड डाउन के। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट का यूज किया गया है। ये आपके यहाँ पे गाड़ी में कुछ और कंट्रोल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल वगैरह हो जाते हैं। अगर MID की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे
नीचे आपका फ्यूल मीटर मिलता है और ऊपर आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी कितना कुछ माइलेज निकाल रही है, ट्रिप में कितनी कुछ ये चल चुकी है। अगर राइट हैंड साइड के और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, ये आपकी गाड़ी का एसी वेंट हो जाता है। और दोस्तों ये है इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलती है, अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिव ये है। 4 स्पीकर्स यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। और अगर आप इसके म्यूजिक की क्वालिटी सुनना चाहते हैं बॉलीवुड और पंजाबी सॉन्ग्स में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करके इसके म्यूजिक सिस्टम का टेस्ट सुन सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसके अंदर अभी दिखा देता हूं जो इसका बैक कैमरा है उसकी कैसी कुछ क्वालिटी है। तो ये इसके बैक कैमरे की क्वालिटी है दोस्तों, और टच का रेस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही फास्ट ये है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। यहाँ नीचे आपको गाड़ी के अंदर मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पे, ये आपके 2 यूएसबी पोर्ट हो जाते हैं, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको मिलता है। और दोस्तों अगर बात करें स्पेस की तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलता है। आपकी गाड़ी आती है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, यहाँ नीचे आपको 2 कप होल्डर्स का स्पेस मिलता है, 1 बोतल होल्डर का यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, और ये सेंटर में आपका आर्मरेस्ट हो जाता है जिसके अंदर स्टोरेज जो है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गहराई इसकी है कि पूरा हाथ मेरा अंदर तक इसके अंदर इजीली पहुंच रहा है। यह आपके गाड़ी का डे नाइट रियर व्यू मिरर हो जाता है जो कि आपका इलेक्ट्रिक डे नाइट रियर व्यू मिरर है। यहाँ ऊपर आपको रूफ में सनग्लास होल्डर मिल जाता है अपनी गाड़ी में, और ये यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपनी सनरूफ को ओपन करने के। एक बार मैं आपको इसकी सनरूफ जो है वो भी दिखा देता हूँ। नॉर्मल साइज की ये सनरूफ है, मतलब अडल्ट बंदा तो इसमें से नहीं निकल पाएगा बाहर, लेकिन छोटा बच्चा आराम से निकल जाएगा। को पैसेंजर साइड यहाँ पे आपको काफी बड़े साइज का वैनिटी मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग है तो आपको कोई भी ग्रह हैंडल्स यहाँ पे ओपन नहीं किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ग्लोब बॉक्स, ये इस गाड़ी का ग्लोब बॉक्स है जो कि काफी डिसेंट साइज का है। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ ऊपर भी आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें तो थी इसके फ्रंट पार्ट की, यानी कि फ्रंट इंटीरियर की, जो मैंने आप लोगों को बताई है। अभी चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे, और रियर सीट पे जाने से पहले इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है उसको मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कितना कुछ स्पेस यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों रियर में, और रियर में चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का रियर डोर। यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है, सॉफ्ट टच मिलता है यहाँ पे आपको, ये आपकी पावर विंडो का स्विच हो जाता है, ये आपकी गाड़ी का डोर ओपनर। नीचे यहाँ पे आपको सिर्फ 1 बोतल होल्डर का स्पेस मिलता है, ये आपकी गाड़ी का स्पीकर हो जाता है। और सीट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अपनी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये इस गाड़ी की रियर सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको रियर सीट में मिलते हैं, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको मिलता है आर्मरेस्ट का ऑप्शन। इसके अंदर आपको कोई भी कप होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अभी मैं पीछे बैठ के आपको स्पेस दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो ये यहाँ पे आपको नी रूम मिलता है और नीचे लेग रूम इतना मिलता है, मतलब इको स्पोर्ट में थोड़ा स्पेस कम है, बट मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, उस हिसाब से इस गाड़ी की सीट एडजस्ट है। ये पीछे आपको यहाँ पे रूफ में सनरूफ देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर, ऐसी कुछ फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इको स्पोर्ट के डैशबोर्ड की। और ये जो टैन कलर में ब्राउन कलर में ये इंसर्ट्स हैं, ये काफी सुंदर लगते हैं देखने में। रियर सीट पे जो आपके हेडरेस्ट है वो अच्छी जगह प्लेस करे गए हैं, और सनरूफ होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा हेडरूम मिलता है, मेरा सर नहीं टकरा रहा इसकी रूफ से। और दोस्तों एक चीज और कि पीछे रियर में आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। चार्जिंग सॉकेट मैंने आपको दिखाई दिया कि सेंटर की जगह यहाँ पे आपको इस जगह मिलता है जो आपका डोर है उसके जस्ट पास, बट इस गाड़ी का एसी इतना पावरफुल है कि रियर में आपको एसी वेंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पे एसी मिलता है आपको फोर्ड की गाड़ियों के अंदर खासकर। अब दोस्तों बात करते हैं रियर सीट के स्पेस की, तो मैं फिर से वही कहूंगा क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है तो 2 अडल्ट और 1 छोटा बच्चा ही यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। एक खास चीज इसमें जो आपको लाइट मिलती है वो लाइट यहाँ पीछे मिलती है जो कि बिल्कुल ऐसी जगह प्लेस करी गई है जहां से आपको रियर सीट पे भी रोशनी मिल सकती है और पीछे बूट में भी। ये आपकी गाड़ी की यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे हो जाती है दोस्तों। तो ये सब चीजें थी इस गाड़ी के रियर सीट से रिलेटेड। अभी फिलहाल करते हैं इस गाड़ी का बूट ओपन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट। तो यहाँ पे
इसका बूट ओपनर है। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 350 लीटर का बूट स्पेस। जो इस गाड़ी की रियर सीट है आप देख सकते हैं, 60-40 स्प्लिट में आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं, और काफी बड़ा ये बूट स्पेस मैं कहूंगा, क्योंकि इसका जो टेल गेट है यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। अगर आपका कोई सामान की गहराई ज्यादा है तो ये उसमें हेल्प करेगा आप लोगों के लिए। ये इस गाड़ी की रियर पार्सल ट्रे यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों बूट स्पेस में यहाँ पे आपको पीछे लाइट भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। ये इतना सारा स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अभी फिलहाल करते हैं इसके बूट को बंद और बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा दी है, इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी सारे फीचर्स आपको डिटेल में बता दिए हैं इस गाड़ी के। अब जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि चैनल के ऊपर आपको एक सरप्राइज देखने को मिलने वाला है, फोर्ड इको स्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और टाटा नेक्सोन, इन तीनों गाड़ियों में से एक गाड़ी मैं खरीदने वाला हूं, वो भी डीजल के अंदर। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।